इस रेत में अपनी बाइक उतार। ओ भाई साहब ये देखो शानदार। तो यही वो कैंप है जहाँ मैंने रात गुजारी है और अब निकल रहे हैं पेंगोंग सो के लिए। तो 6 घंटा 8 मिनट लगने वाला है मेरा मुझे। चलो जगनस जगनस जगनस। पेंगोंग के लिए यहाँ से लेफ्ट ना राइट लेके नहीं, यहाँ से इस तरफ जाना है आपको। थैंक यू। इस तरफ जाना है। तो मैं जहाँ रुका था उस कैंप का नाम है पीका कैंप और 1000 रुपया मुझे पड़ा। अच्छा था ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था उसमें और डिनर भी बढ़िया था। और ये देखिए आप पहाड़ों में रेगिस्तान, इसे होल्डर सैंडियम्स कहते हैं। और कल मैंने यहाँ पे डबल हम्प कैमल होती है उसका राइडिंग किया था, उसे विक्टोरियन कैमल भी कहते हैं। हाँ विक्टोरियन कैमल। तो कल मैंने कैमल राइड भी किया था और अच्छा लगा, मज़ा आया। मेरा स्टे भी बहुत अच्छा था। तो अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ पेंगोंग लेक के लिए। आज पेंगोंग लेक पे कैंप करूँगा। बट देखते हैं क्या होता है। वैसे अभी मेरे पास 2-3 ऑप्शन है अपना टेंट लगाने का। एक तो पेंगोंग लेक, दूसरा जब मैं वापस जाऊंगा मनाली होते हुए तो किलोंग या सरचू में कर सकता हूँ कैंपिंग। हाँ भाई साहब नज़ारे देखो नज़ारे, वाह। इस रेत में अपनी बाइक उतार दूँ, एक सेल्फी तो बनती है यहाँ पे। बाइक नहीं उतारूंगा, फंस गया तो फिर। It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. एक और वाटर क्रॉसिंग। ओके, इसको बड़ा प्यार से पार करना पड़ेगा। एक और जूता गीला हो गया मेरा पानी के अंदर। कोई नहीं, अब तक का सबसे खतरनाक वाला रास्ता। शाबाश, लगता है अभी अभी पहाड़ को कट के बनाया गया इसे। अरे चल, हाँ कल मैं पेंगोंग से वापस ले आ जाऊंगा और
परसों लेह से मनाली होते हुए वापस कटिहार। तो जब भी वापस जाने का ख्याल आता है मन दुखी सा हो जाता है, बट क्या करें, वापस तो जाना ही पड़ेगा, फिर आएंगे। वाह ब्यूटीफुल यार, अब यहाँ रुकना ही पड़ेगा। वैसे यहाँ चाय कॉफ़ी कुछ तो मिलना चाहिए, चाय मिल जाए तो सबसे बेस्ट, और उधर जाके कहीं फोटोशूट वगैरह कर लेंगे। अब यहाँ से ऑफ रोड चलो, चलो देखते हैं। हमने तो हिलते डुलते पत्थरों पर से बाइक निकाल ली, ये तो फिर भी एक जगह पे अस्थिर वाला पत्थर है, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलो चलो कोई नहीं, निकल जाएगा, वेरी गुड। इधर से, ओ माय गॉड, ये तो बहुत लंबा है। अरे लगा लगा लगा, कोई नहीं कोई नहीं, बस अब थोड़ा दूर और वहां से फिर रास्ता ठीक ही है, और एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग भी है वहां पे। पत्थर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। कैमरा में आप लोगों को इतना पता नहीं चल रहा होगा, लिटरली बहुत बड़ा बड़ा पत्थर सब है। अरे बाप रे, बच गया, ओह माय गॉड, ये तो जबरदस्त है। किधर से है? चलो प्रभु रक्षा करना, चलो बस। अरे हम कोई ऐसा वैसा राइडर थोड़े हैं, गजब के। Just joking. ये देखो नजारे, वाओ। अभी जैसा ऑफ रोड किया उसके बाद ये नज़ारा तो बनता था। हाँ बैंड बज गया लेकिन पीछे वाला ऑफ रोड में। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक ख्वाब ज़ुल्फ की, बस एक निगाह प्यार का, पुकारता चला हूँ मैं। नीचे ये पूरा रेगिस्तान जैसा है, पूरा रेत ही रेत, और पेनांग लेक अभी भी करीब 80 से 85 किलोमीटर बाकी है, जिसमें कि 2 घंटा लगने वाला है, यानी कि रास्ता ऐसा ही मिलेगा। थोड़ा बहुत ऑफ रोड पैच आता है लेकिन ओवरऑल रास्ते बहुत सही है, मतलब इतना बढ़िया रास्ता का उम्मीद नहीं किया था मैंने इस रूट पर आने से पहले।
सही है, इधर देखो, उधर का कलर देखो, ये कलर देखो, हर पहाड़ का अपना अलग कलर है। इस बार मैं सिर्फ TSO मोरिडी नहीं जा पाऊंगा, बाकी ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो TSO मोरिडी और तुरतुक विलेज, ये दोनों जगह कवर करना है। कहते हैं कि TSO मोरिडी पैंगोंग लेक से भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन पैंगोंग लेक में ये देखो, जैसे ये ऑफ रोड पैच आया ना अभी, बस ऐसा ही बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आते रहता है। तो चूंकि पैंगोंग लेक में 3 Idiots मूवी का शूटिंग हुआ था, तो इस वजह से वो ज़्यादा फेमस हो गया। बाकी खूबसूरती की अगर बात की जाए, TSO मोरिडी ज़्यादा खूबसूरत है पैंगोंग लेक के मुकाबले। कौन है भाई? ओके, बुलेट बुलेट राजा। तो अभी हम ऐसे वहां नीचे से निकलेंगे। पराक्रमो विजयते, सही है। ओ तेरी, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ओके। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा गलत रूट ले लिया था। एक्चुअली हमें वहाँ नीचे से लेक के साइड साइड से ही जाना है, लेकिन हम ऊपर वाला रास्ता पकड़ लिए, कोई नहीं। हाँ, तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ पैंगोंग लेक, और अब मैं यहाँ पे अपना टेंट लगाऊंगा। यहाँ कुछ बना नहीं पाऊंगा खाने के लिए, बट टेंट लगाऊंगा। ये रहा खूबसूरत पैंगोंग लेक, जहाँ वो 3 Idiots का कुर्सी लगा हुआ है, और ये स्कूटर। पीछे आप मेरी बाइक देख सकते हैं, और आज मैं यहाँ पे कैंपिंग करने वाला हूँ। बस कुछ बना नहीं पाऊँगा सिवाय चाय और कॉफ़ी के। सोचा था जहाँ मैं कैंपिंग करूँगा वहाँ के लोकल शॉप से कुछ खरीद लूँगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो कोई नहीं, खाने का होटल से ले लेंगे और चाय कॉफ़ी बनाएंगे। अभी शाम के 7:20 हो चुके हैं, और यहाँ भी अब अंधेरा होना चालू हो गया है, और ये जो टेंट दिख रहा है वो मेरा है, और इसके बगल में कोई कपल है, उन्होंने अपना टेंट लगाया हुआ है। तो और अब यहाँ पे ठंड भी बढ़ने लगी है, बाकी सब सही है। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।